IUN एक्सचेंज एंट्री लेवल कहाँ दिखता है सर? 2140 का है अभी भाव सर। डेली चार्ट में आफ्टर एक्चुअली कंसोलिडेशन फेज पे ही है। आप जैसे देखोगे डेली चार्ट में एक अप कैंडल है, फिर उसके बाद फॉलो अप में 2-3 दिन डाउन कैंडल्स है, फिर एक बड़ा बाई कैंडल है। ये मतलब एक्चुअली ये कंसोलिडेशन जोन पे, एंड आई थिंक 9 तारीख को इसके अर्निंग्स भी शायद आई थिंक 9th ऑफ नवंबर को इसके अर्निंग्स भी ड्यू है। चार्ट पैटर्न वैसे कहीं खराब नहीं लग रहा है। अगर किसी के पास है भी तो उसमें स्टॉप थोड़ा नीचे का होगा, 1985 के करीब का इसका स्टॉप लॉस बैठता है। बहुत ज्यादा डीप स्टॉप लॉस है इस स्टॉक में, ठीक है, बिकॉज इसका मोमेंटम ही वैसा रहता है 100-200 रुपए के करीब का। अगर ये 2180 के ऊपर चलता है ये स्टॉक, तो ये 2280 और मे बी 2380 तक जा सकता है, बट डिपेंड करता है इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो मैं इसमें फ्रेश बाई की सलाह नहीं दूंगा। जिनका लॉन्ग है वो एक स्टॉप लॉस इसमें ऑन द सेफर साइड एक स्टॉप लॉस उनको रखना, अगर रखना चाहते हो तो 2064 का स्टॉप लॉस रख ले, और लॉन्ग टर्म पिक्स वाले 1985 का स्टॉप लॉस रखे और ये स्टॉक में बने रहे। हो सकता है रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो बाउंस इसमें तगड़ा मिलेगा, 2380 तक का बाउंस मिल जाएगा।